गुड मॉर्निंग बॉयज, अब ग्रामर पार्ट थर्ड के अंदर हम इंटरचेंज इनटू वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस पढ़ेंगे। अभी पूर्व में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया था, अब हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में किस तरह से बदला जाता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इंटरोगेटिव बदलते हैं, किस प्रकार से नेगेटिव में बदलते हैं। फॉर एग्जांपल, सोन रीड्स अ बुक, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसके इंटरोगेटिव बना है डज सोहन रीड अ बुक, और इसका नेगेटिव बना है सोहन डज नॉट रीड अ बुक। इसी प्रकार से हम WH वाला भी बना सकते हैं कि व्हाट डज सोहन रीड अ बुक, कैसे लिख सकते हैं व्हाट डज सोहन इन द हाउस, ये भी बोल सकते हैं। नंबर दो है इंटरोगेटिव टू अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस से किस तरह अफर्मेटिव बनता है और किस प्रकार से नेगेटिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल, डज टीचर टीच अ लेसन, ये जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इस इंट्रोगेटिव को ही अफर्मेटिव में चेंज किया है, टीचर टीचेज अ लेसन। इसी को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया इंट्रोगेटिव को, टीचर डज नॉट टीच अ लेसन। इसी प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव और नेगेटिव में किस प्रकार बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओपन द डोर, इसको हमने बदला अफर्मेटिव में यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। इसी प्रकार से इसको नेगेटिव में बदला यू आर नॉट अलाउड टू ओपन द डोर। लेट अस गो टू सर्कस, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदला यू आर प्रपोज टू गो टू सर्कस। अब हम आगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव टू अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, जैसे यू मे गेट सक्सेस, तो इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे तो यू आर ब्लेस्ड टू सक्सेस, ये सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव बनाना तो यू लगा है तो भी सही है।
इसी प्रकार से सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। सी हैज फेल्ड, सी हैज बिकम इल। अब इसको अपन कंपाउंड में बदलेंगे तो ये कंपाउंड में बदलेगा सी हैज फेल्ड बिकॉज सी हैज बिकम इल। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कंजेक्शन का प्रयोग करके बदल सकते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड को सिंपल में कैसे बदला जाता है। जैसे गणेश एंड सुरेश आर गुड क्रिकेटर, ये जैसे आपका एक कंपाउंड सेंटेंस लिख दिया, इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे तो इस तरह से बदलेगा गणेश इज ए गुड क्रिकेटर, सुरेश इज ए गुड क्रिकेटर। इस प्रकार से हम बदलेंगे। इसी प्रकार से अफर्मेटिव से सॉरी सिंपल से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। जैसे दे सेज द अर्थ इज राउंड, ये एक आपका सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो ऐसे बदलेगा दे सेज दैट द अर्थ इज राउंड। इस प्रकार से हम जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंस और काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में जितने सेंटेंस पढ़े उनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका निश्चित नियम है जिसको हमें ध्यान रखना होगा। थैंक यू।